दोस्तों, ये है प्रतिमा कनन जी और हम बचपन से इनका नाम सुनते आए, इनका काम देखते आए हैं और मुझे मौका मिल गया है कि मैं आज इनके साथ काम कर रही हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस तो दोस्तों बहुत अच्छा रहा इनके साथ, बहुत सपोर्टिंग है और बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हो। ये इतना ईजी फील कराती है, बहुत कम्फर्टेबल रखती है। प्रतिमा जी, आपके बहुत सारे फैंस हैं, मैंने फ़ोटो डाला था आपके साथ, तो सब आपको बहुत पसंद करते हैं, तो आप बताइए हमारे फैंस से आप क्या कहना चाहेंगे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक जो एक्टिंग का लाइन है इसमें? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा जी। और पहले तो मैं सबको हेलो बोलना चाहूँगी जी, और सोमा ने काफ़ी तारीफों के पुल बांध दी है, सब कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, जो इंसान खुद अच्छा होता है उसको दूसरे अच्छे ही लगते हैं। तो हाँ, ये ज़रूर है, इनका कहना बिल्कुल सही है कि लोग मेरे को स्ट्रिक्ट समझते हैं, बाकी तो इन्होंने बता ही दिया कि मैं हूँ। और एक्सपीरियंस अच्छा रहा, काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, 20 साल थिएटर किया दिल्ली में जी। और अभी 25 साल मुझे मुंबई आए हुए हो गए हैं जी। काम चलता रहा है जी। और रुका नहीं है, और ये मेरी खुद की भी ख्वाहिश है कि मैं मरते दम तक काम करती रहूं, काम करते करते मरूं। बिल्कुल, बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा है कैसी आगे की लाइफ होगी। अभी तक तो बहुत अच्छी चल ही रही है जी। सबसे प्यार मिला, काम अच्छा मिला जी। इज्जत मिली, मुंबई जैसे शहर में आने से सब लोग डरते हैं कि पता नहीं कैसा, लेकिन मेरा नसीब अच्छा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद। जैसे दिल्ली में लोग रिस्पेक्ट देते थे, प्रतिभा जी क्या के बात करते थे जी, जी, जी। आज मुंबई में भी सब लोग बड़े से बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर जी, सब लोग प्रतिमा जी कहते हैं। तो जी, जी, जी। जो मैंने चाहा वो मुझे मिला। मुंबई ने बहुत कुछ दिया जी, जी। सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा घर होगा, हमारी गाड़ी होगी। ये थिएटर तो एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको संतुष्टि मिलती है, लेकिन इतना पैसा नहीं होता है और इतना थिएटर के लोगों के पास चीज़ें नहीं होती, लेकिन हाँ, मुंबई शहर ने बहुत कुछ दिया। थैंक्स जितनी बारी बोले काम है। थैंक्स तो मैं भी आपका बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने कभी थिएटर या कोई एक्टिंग कोर्स कभी किया नहीं है लाइफ में, और थिएटर के बारे में तो मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चला कि थिएटर के लिए लोग जाते हैं, वहाँ सीखते हैं, और मैंने जो सीखा है वो आप लोगों को देख के सीखा है मैम। नहीं सुमा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप थिएटर करें या कोई ट्रेनिंग करें, मेरा भी मानना ऐसा ज़रूरी है। जैसे हमने सिर्फ थिएटर किया, पर हमारे साथ के कई एक्टर हैं जो इंस्टीट्यूट्स में जिन्होंने काम पढ़ाई करी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेटरी से हूँ मैं। अच्छा। मैंने कोई डिप्लोमा नहीं किया है जी, जी। तो अपने डिप्लोमा या ये पढ़ाई करने के अपने एक अलग फायदे हैं जी, जी। और आप एटलीस्ट पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जितनी हम करें उससे हमको चीज़ें मिलती ही हैं सीखने को। पर मेरा भी यही मानना है कि ऐसा मैं भी ज़रूरी नहीं समझती। देखिए, मेरा मानना है कि हर एक में पैदाइशी एक्टर हो, सिर्फ आपको जानना है और उसको अपने अंदर से बाहर निकालना है, उसे पॉलिश करना है। और जैसे आपका ही ले लीजिए, आप कह रही हैं हमने थिएटर नहीं किया, कोई कोर्स नहीं किया, उसके बावजूद आप कितनी अच्छी एक्ट्रेस है। कोई तो ये यहाँ पर गलत साबित हो जाता है कि बहुत ज़रूरी है या क्या, क्योंकि एक्टिंग मीडिया में जहाँ तक मानती हूँ प्रैक्टिकल चीज़ है। आप जितना करते रहेंगे उतना पॉलिश होते रहेंगे। पढ़ने से ही होता है कि हाँ, आप किसी ऐसी महफिल में बैठे हैं जहाँ एक्टिंग को लेके या किसी उसको लेके बातचीत होती है, तो आप सक्षम होते हैं, कोई कोर्स करते हैं अगर पढ़ लेते हैं उसको बातचीत करने जी, जी, जी। बाकी ऐसा कुछ नहीं। आपकी मुझे आवाज़ भी बहुत सॉलिड लगती है, जैसे आपकी पर्सनैलिटी है ना, तो आपकी आवाज़ भी बहुत दमदार है। था ना तेरे को बातें पूरे महीने 15 तारीख को सिर्फ पैसे। पर मेरे मामले में ऐसा नहीं होता है, मेरी आवाज़ एकदम पतली है, तो वे कई बार क्या होता था, फ़ोन करती थी कहीं पे काम के लिए स्ट्रगल के टाइम पे, तो मेरी आवाज़ सुन के लोग 16-17 साल की लड़की समझ लेते थे, और जब मैं जाती थी तो मैं कुछ और निकलती थी। और मेरा उल्टा है, मेरे आवाज़ को सुन के लोग सोचते हैं कोई जेंट्स बोल रहा है। अरे जब भी कोई फोन आता है, आते हैं आपको किसी चीज के लिए, तो सर बोलते हैं लोग, तो मैं पहले उनको ये बोलती हूँ कि मैं सर नहीं, मैं मैडम हूँ। हाँ, ये जरूर है कि ये यूनिक वॉइस है। मैं तो कई बार हंस के भी बोलती हूँ कि भैया आवाजें दो ही हैं, या तो अमिताभ बच्चन जी की है या फिर प्रतिमा की। क्या बात है, क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है।
नहीं, मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ, मेरे से हो नहीं पाता है। सॉलिड आवाज़ ना कहते हैं, बहुत अच्छा जो बेस होता है ना, ऐसा स्ट्रॉन्ग आवाज़ रहता है ना, तो उनके वो ना आवाज़ें बदल भी सकते हैं। पतले आवाज़ वाले शायद बदल नहीं पाते हैं, जैसे मैं नहीं शायद बदल पाती हूँ। पर मैं जैसे मैं पतली आवाज़ नहीं कर पाऊँगी अगर मैं करूँगी कोशिश, तो आप शायद एक बार को बेस को ले सकती हैं, लेकिन हमारे जो जो नोड्यूल्स हैं सारे वॉइस के, वो अपने में बना ली उन्होंने अपनी जगह। तो ये एक तो मेरी फैमिली की भी देन है, मेरी मदर की वॉइस भी ऐसी थी, मेरे ब्रदर्स, और फिर उसके बाद थिएटर में ये होता है कि आपको माइक तो मिलते नहीं है, तो आप बिना माइक के जब एक्टिंग करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना कि लास्ट रो के आदमी तक मेरा डायलॉग पहुंचे। जी जी जी। तो थोड़ा उस वो भी उस वजह से भी आपका ऐसे हो जाता है। और फिर बाद में शायद मेरे को आई थिंक मेरे को थायराइड है, शायद थायराइड की वजह से भी कहते हैं कि वॉइस में ये क्वालिटी आ जाती है। जी जी जी। और अब आपका भाभी जी में कैसा एक्सपीरियंस है? भाभी जी में बहुत अच्छा है। शुरू में आई थी तो बहुत डर लग रहा था, बिकॉज कॉमेडी मैंने उतनी नहीं करी है, उतनी क्या मतलब ना के बराबर। कभी ये कॉमेडी सर्कस में एक बार किया था, वो भी सेलिब्रिटीज स्पेशल था, तो क्योंकि भाभी जी अपने में माना जाए तो एक बहुत सॉलिड सीरियल है, और एक से एक मतलब किरदार हैं उसमें, और सब इतना बढ़िया करते हैं सब कुछ। तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत टाइम हो गया तो मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊँ कि अरे मैं ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पहले दिन आ रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था यार, इतने धुरंधर सब एक्टर हैं कॉमेडी में, मैं क्या करूँगी, मैंने तो कभी भी, लेकिन सबने बड़ा अच्छा साथ दिया। और मुझे लगता है राइटर्स को भी मैं उसका श्रेय दूंगी कि उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को देखते हुए उस कैरेक्टर को शो में रखा है, जिसमें मैं अपने कैरेक्टर में रहकर कितना उसको कर सकती हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखा गया। मेरी भी अपनी पूरी कोशिश होती है, और मेरे को मैं हमेशा सब अपने को एक्ट्रेस को हमेशा बोलती रहती हूँ कि प्लीज़ बताते रहिएगा कहीं अगर मेरे तो मेरे को हेल्प होगी। तो अच्छा रहा, सब इतने अच्छे हैं, सबने बहुत प्यार और इज्जत दी। इज्जत तो मतलब ये मान लीजिए कि शायद सीनियोरिटी की वजह से सब देते हैं, लेकिन प्यार मिलना एक बहुत अलग बात है। कई बार सीनियोरिटी के चक्कर में लोग आते थी बिल्कुल ऐसे कर देते हैं, लेकिन इतना सबसे बड़ी बात के प्रोड्यूसर जो हैं इनकी विनायफर कोहली जी, उन्होंने मुझे बोला था कि आप जाएंगी सेट पर, देखिए बहुत ही घरेलू माहौल है। तो मैंने पाया भी यहाँ पे कि वाकई में बहुत घरेलू माहौल है, और काम पर ज़्यादा फोकस रखते हैं यहाँ के सब एक्टर। और भी मैंने सीरियल्स किए हैं जहाँ मेरे को हमेशा ये रहता है लोग काम की तरफ कम ध्यान देते हैं, बाकी चीजों पे लोगों का ज्यादा ध्यान होता है। जी जी। लेकिन ये शो में मैं जरूर कहूंगी कि हर इंसान, हर एक्टर, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, कोई छोटा बड़ा तो है ही नहीं इस शो में, सब एक दूसरे को मतलब कमाल के मारती हैं, और सब सिर्फ काम पर अपने ध्यान देते हैं। और एक पहला सेट मैंने ऐसा देखा, मुझे लगता है यहाँ शूटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ऐसा माहौल ही नहीं लगता है कि यहाँ शूटिंग हो रही है, इतनी खामोशी से लोग अपना काम करते हैं। और मतलब तो और सेट्स पे तो बाप रे कितना हो अल्लाह, यहाँ तो मैं आवाज ही नहीं सुनती कि मैं बोर भी होने लगती हूँ मुझे कई बार लगता है मैं डेली शो कर रही हूँ, ऐसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपनापन सा लगने लगा। आपने मुझे पहले कभी देखा है टीवी में या ऐसे? मैंने आपके सारे शोज देखे हैं, और बहुत अच्छी आप एक्ट्रेस हैं, और कमाल की एक पहले आया करता था क्या, मे आई कम इन मैम, मैडम, कमाल उसमें आपने किया। आपने देखा वो शो? मैं पूरा शो मैंने वॉच किया, और बहुत अच्छा, मतलब मैं ऐसे कैरेक्टर करते हुए शायद झिझकूंगी अपनी अपनी क्वालिटी जी, और बहुत बढ़िया क्वालिटी है आपकी कैरेक्टर्स की। थैंक यू। ऐसा नहीं है कि, और देखिए जब तक एक कलाकार दूसरे का काम नहीं देखेगा तो मैं कई एक्ट्रेस बोलते भी हैं ये बात कि अच्छा आपने देखा, अच्छा मैंने तो नहीं देखा, मैं तो देखती नहीं अपना शो, मैं तो देखता नहीं अपना शो, कई बार मुझे लगता है झूठ बोलते हैं, ये सच्चाई है इसमें कि नहीं, ऐसा कौन होगा जो अपना काम नहीं देखना, अगर मैं कोई शो कर रही हूँ, आप कोई शो कर रहे हैं तो आप नहीं देखेंगी अपना काम की जी, जी, आ रहा है एपिसोड, चलो अगर आप घर पे हैं तो मैं तो जरूर देखती हूँ। और इसमें भी भाभी जी में भी आपका कमाल है, मतलब वो बार बार किसी चीज को गिरा लेना, और
आपको कभी अनकंफर्टेबल तो फील नहीं हुआ ना मेरे साथ काम करते हुए? नहीं, मैं तो चाहती हूँ आपके साथ मेरे सीन हो, अभी तक आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा। मेरा तो बहुत था कि हमारा एक रखा जाए दोनों का। हाँ हाँ हाँ। ऐसा बहुत कम हुआ है। हाँ। तो इंटरेक्शन ही हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि होगा, जरूर होगा दोनों का भी साथ। दो सांसें दिखा दी। ज्यादा पहले वो सीन तो लगा ही नहीं इसमें, मैं और आप एक दिन एक रिक्शे पे आ रहे हैं। हाँ, हाँ, आप मुझे, मैं आपको कुछ बोल रही, आप मुझे कुछ बोल रही हैं। जी, जी, वो सीन कट ही गया, कुछ लगा ही नहीं उसमें। हाँ, तो वो बहुत बढ़िया था, अगर वो था। अरे बड़ा प्यारा था वो तो सीन। हम लोग दोनों की दोस्ती पहले ही हो जाती है, फिर हम अपने अपने घर पे जाते हैं। चलो कोई नहीं, मैं तो खैर छोटी थी तब मैंने आपको देखा था, छोटी मतलब वही 18-19 साल की रही होंगी, और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे मौका मिलेगा आप लोग के साथ काम करने का। बहुत छोटी होती है, कहते हैं दुनिया बहुत छोटी है, कब घूम फिर के आदमी किससे टकराए। जी जी जी। वैसे हमने भी सोचा था भाभी जी में हम आएंगे, कुछ काम करेंगे, तो जैसे अब मेरी भाभी है बीच वाली कुवैत में शुरू से रही है, केरला की है, तो वो लोग बहुत ज्यादा इस शो को फॉलो करते हैं। अच्छा। और सारा दिन मतलब मेरे मैके में ये भाभी जी लगा रहता है। जी, जी, तो जी। जब मैं गई थी दो साल पहले। हाँ। तो मैं कहती अरे आप लोग थकते नहीं, अरे ये तो एक शो है जो देखने मतलब कुछ तो है। हाँ। बाकी और क्या देखता रहा इंसान। हाँ, हाँ। तो जब मुझे ये शो मिला और मैंने अपने ब्रदर को फोन किया, तो मैंने कहा एक नया शो मिला, अच्छा कौन सा मिला, तो मैंने एकदम से कहा आपका फेवरेट शो जो है। हाँ। तो कहते हैं हमारा फेवरेट शो, मैंने कहा बताइए आपका फेवरेट कौन सा है। हाँ। तो उन्होंने कहा भाभी जी घर पे है। हाँ। मैं कहा बस वो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। बार बार करे ड्रीम कम ट्रू हो गया, क्योंकि अच्छा। हम बहुत सोचते थे कि मेरा घर का नाम बाला है। अच्छा। बाला इस शो में हो तो कितना अच्छा, बाला इस शो में हो। ओ। तो वो इतने खुश हुए कि अरे हमारा ड्रीम ट्रू में बदल गया कि तुम्हारी एंट्री हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करने में, बड़ा मज़ा आ रहा है, और मैं खुश नसीब हूँ कि आपसे बहुत कुछ आगे और सीखने को मिलेगा। अरे कुछ सीखने का नहीं, आप मुझे सिखाइए। अरे नहीं, आप लोग को देख के सीखा मैंने, रोहिता जी, आप अनूप जी, अपने आसिफ जी, मैंने आप सबको देख देख के ही सीखा। मैं एक्चुअली ना फिल्म के कीड़ा हूँ मैं, मुझे फिल्म देखना इतना पसंद है ना कि मैं थिएटर में सुबह से लेके लास्ट शो तक मैं देख सकती हूँ एक के बाद एक लगातार। मुझे इतना पसंद है फिल्म देखना, तो मैं जब फिल्म देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जी रही हूँ फिल्म को, तो मेरा वो था हमेशा से। इसलिए अभी भी वैसे मैं जल्दी देखती, आप मुझे मैं लाइन्स याद नहीं करती हूँ, मैं वहाँ पर बैठ के सुनती हूँ जब अपना रिहर्सल होता है ना, तो मुझे उसी से याद होता है, पढ़ने से ज़्यादा उसमें से याद हो जाता है मुझे, तो मैं लाइन्स रूम में नहीं पढ़ती हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैं जीती हूँ ना कैरेक्टर को, तो मुझे याद ही नहीं करना पड़ता। और थैंक यू सो मच प्रतिमा जी, थैंक यू सो मच। आगे अभी हम एक आध वीडियो और बनाएंगे जब आपका डिमांड आएगा, वैसे तो सब बहुत पसंद करते हैं। अब ये वीडियो में मेरे फैंस देखेंगे, फिर क्या रिप्लाई आता है मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।